देखिए पूरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र में बिजली के लिए वहाँ की जनता पूरा त्राही माम कर रही है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में कई जगह पर दो दर्जन से ज्यादा जगह पर तार की स्थिति अत्यंत ही जर्जर हो गई है। तार टूट रहा है, तार के संपर्क में लोग आ रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, जानवरों की जान जा रही है। और सबसे दुखद है कि आज मेरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों स्थान पर कहीं पर 25 के वी का, कहीं 63 का, कहीं 100 का, कहीं 200 का, आज 15 दिन से कई जगह पर ट्रांसफार्मर जल चुका है। लोग अंधेरे में रहने को विवश है और 15 दिन से लोग अंधेरे में है। लगातार हम लोग विभागीय कार्यपालक अभियंता से लेके एसी से लेके जीएम से लेके ईडी से लेके सेक्रेटरी तक कोई ऐसे पदाधिकारी नहीं जिनके यहाँ हम लोगों ने गुहार नहीं लगाई, और गुहार लगाने का नतीजा कुछ नहीं हुआ। और यही कारण है कि आज हमको धरने पर बैठा पता है। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि आज ये भी पता चल रहा है कि विभाग में ट्रांसफार्मर का तेल तक नहीं है। कई स्थान पर दर्जन से ज्यादा ऐसे स्थान है गोमिया विधानसभा क्षेत्र में जहाँ ट्रांसफार्मर में तेल नहीं, और ट्रांसफार्मर में तेल नहीं रहने के कारण ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। बिजली की स्थिति, बिजली आपूर्ति की स्थिति अत्यंत ही खराब है। मुश्किल से 5 से 7 घंटा पूरे विधानसभा क्षेत्र में लोगों को बिजली मिल रही है। आखिर कहां जनता जाएगी, किसके अदालत में जाएगी, कौन सुनेगा? कई ऐसे आज हम जब से हम विधायक बने लगातार गोमिया विधानसभा क्षेत्र का 3 गांव अभी भी है जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। सियारी पंचायत, गोमिया प्रखंड के सियारी पंचायत का काशीटाड़ बिरोट डंडा, यहां पर आज तक यहां पर बिजली नहीं पहुंची। और लगातार इस मामले को लेकर सड़क से लेके सरकार के समक्ष से लेके सदन तक लगातार इसको हम लोग मांग उठाते रहे। आज तक बिजली विभाग से, एक तरफ देश और राज्य आजादी का 75वां वर्ष मना रहा और आज भी 3-3 गांव मेरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र के हैं जहां तक अभी बिजली नहीं पहुंची है। लेकिन और बीजेपी की सरकार थी तो आप ही के यहां फूल में कहा गया कि हर गांव बिजली पहुंच गई है, घर घर, और आप बोल रहे हैं कि बिजली पहुंची नहीं है। आप ही के यहां से उद्घाटन किए थे रघुवर दास, ये बतावे ना कि कहां वो बिरोह डंडा में क्यों बिजली नहीं पहुंची है, काशीटाड़ में क्यों नहीं पहुंची है। ये तो डाटा की बात है। और लगातार हम लोग विधानसभा से लेके हर जगह पर इस मामले को, आज भी वो तीनों गांव के लोग आते हैं। बहुत उलझन में नहीं पड़ गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ग्रामीण में 2 गाड़ी लेके पहुंच गए लोग, एक दो टीम, तो वही थोड़ा सा विवाद होने लगा। जबकि हम लोग ऑफिशियली वो हम लोग डिसीजन लिए हैं कि हम लोग ऑफिशियली जो है किसी को भी नहीं देंगे। हम लोग ऑफिशियली जहाँ का ट्रांसफर जला हुआ है वहाँ जाएंगे, डिपार्टमेंट का आदमी डिपार्टमेंट का गाड़ी से लेके जाएगा और ट्रांसफर। आप लोग के मन में क्या हो जाता है जैसे इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है? नहीं, ये तो पार्ट ऑफ जॉब है। इस तरह का तो स्थिति परिस्थिति पैदा होते ही रहता है, ऐसा नहीं है। पब्लिक लाइफ में है, पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक का और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का बात सुनना तो हम लोग का कर्तव्य है। और इस तरह के मामले तो होते ही रहते हैं और उसका हम लोग समाधान